बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी दो सपनों के से दिन पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ हिस्सा पढ़ा दिया है। उनके बचपन के दिन की स्थितियाँ मैंने बताई हैं, जब उनके साथ राजस्थान और हरियाणा के दोस्त पढ़ते थे तो कुछ दिन तक उनकी बोलियाँ उन्हें वो नहीं समझ में आती थी, लेकिन धीरे धीरे खेलते खेलते बहुत बार ऐसा हुआ कि वो सब एक दूसरों की बात को समझने लगे। और उनके बचपन का जो दिन था वो बहुत ही आनंददायक दिन था। उन्हें समझ में नहीं आता था कि कैसे वो दिन व्यतीत हो गए और कैसे इन दिनों को हम पुनः याद कर सकते हैं। तो उन्हें वो दिन जो थे वो सपनों के से दिन प्रतीत होने लगे। और फिर उनके बहुत सारे साथी तो पढ़ने के नाम से ही भागते थे, तो बचपन की चीजें, हरियाली, फूलों की सुगंध, मनमोहक भाव, सब कुछ उन्हें याद आता था। और गर्मी की छुट्टियां जब स्कूल की होती थी उस समय एक दो महीना, डेढ़ महीना ही पढ़ाई होती थी, और फिर उसके बाद छुट्टियां, तो छुट्टियों में ननिहाल जाने का शौक जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वहाँ प्यार दुलार मिलता है, मनमाना करने को सब कुछ मिलता है खेलने कूदने की उम्र में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मौके पर मिलती हैं, फिर उसी चीज़ को याद करते हैं कि कैसे वो रेतीले टीले पर चढ़ करके गंदे पानी के तालाब में कूद पड़ते थे। कभी कभी खेलते खेलते बच्चे गंदे पानी के तालाब में गहरे तक जाने लगते तो वे भैंस की सींग पकड़ करके उस पर बैठ करके उसे खींच कर लाते, मुंह में कुछ गंदा पानी भी चला जाता, लेकिन फिर भी वो उसे, उनके लिए वो दिन खेलने कूदने के मनोरंजन के दिन थे। उसी के आगे से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर छुट्टियाँ बीतने लगी तो दिन गिनने लगते, प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। अब छुट्टियों में काम देने की प्रथा हमेशा से थी, तो छुट्टियों में काम देने, जब ननिहाल जाके खेलने कूदने में सारा समय व्यतीत हो जाता तो उसके बाद फिर ऐसा लगता कि अब बचे हुए दिनों में स्कूल और मास्टरों का दिया हुआ काम कैसे पूरा होगा। तो हिसाब लगाने लगते कि इतने दिन बचे हैं, इतना हिसाब मिला है, इतने इतने दिन में अगर इतना काम कर लेंगे तो पूरे हो जाएंगे। अब बस उंगलियों पे दिन गिनना और हिसाब कितना करना है ये गिनना उनकी एक आदत में आ जाता। तो जैसे मास्टर साहब के हिसाब से 200 से कम सवाल कभी ना बताते, मतलब गर्मी, उनको गर्मी की छुट्टियों के लिए 200 सवाल देते, आधे दिन तो खेलने में व्यतीत हो जाते। अब आधे बचे दिनों में उन्हें ये लगाना होता कि ये 200 सवाल वो कितने दिनों में कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कितने सवाल रोज करें तो वो 200 सवाल पूरे हो जाएंगे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी होता, तो उन्हें लगता कि चलो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे और अभी तो 30 दिन हमारे हाथ में है तो 10 दिन अभी खेल सकते हैं। कहने का मतलब कि बचपन की अवस्था में खेलना कूदना इतना प्रिय होता है कि उस खेलने कूदने की चीज़ों को हिसाब लगा कर पढ़ाई की जाती थी कि दिनों में बांटा जाए कि एक दिन में कितना कर लेंगे तो इससे कितना दिन लगेगा। और इस तरह से देखा जाए तो फिर वो, उनको लगा कि 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, तो अभी हमारे पास 30 दिन है तो 10 दिन अभी और खेल सकते हैं। एक एक दिन गिनते गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते और देखते ही देखते 10 दिन का समय और व्यतीत हो जाता। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने की सोचते कि 10 की क्या बात है, चलो 15 सवाल कर लेंगे। अब दिमाग में आता कि 10 नहीं
चलो 15 सवाल कर लेंगे तब तो कम समय में हो जाएगा। अब ये होता कि अगर मास्टरों की डांट से तो अच्छा है कि 10 सवाल की जगह 15 सवाल रोज लगाएंगे और काम पूरा हो जाएगा। अब हिसाब बैठाते कि 10 की जगह 15 कर लेंगे और छुट्टियों के दिन धीरे धीरे कम होने लगते। अब जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता, अर्थात कहने का मतलब कि जैसे जैसे छुट्टियों के दिन एक एक करके खत्म होने लगते वैसे वैसे मास्टरों का भय भी जो था वो बढ़ता जाता। अब दोपहरी में ही सूरज छिप जाता हो, जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई सस्ता सौदा समझते। अब देखिए सब बच्चों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। बहुत सारे बच्चों के स्वभाव तो ऐसे होते हैं कि चलो इतना दिन बैठ के पढ़ाई करेंगे, इतना दिन बैठ करके काम करना पड़ेगा, इससे तो बहुत अच्छा है कि मास्टरों की मार ही खा ली जाएगी। मतलब मार खाने को सस्ता सौदा समझ लेते हैं और पढ़ाई लिखाई करना उनके लिए कुछ और कठिन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पढ़ाई लिखाई भी कठिन है तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की बात ही सोचने लगते। अब चूंकि लेखक को तो पिटाई से डर लगता था तो उनका मन होता कि वो किसी भी तरह से काम कर ले, लेकिन कभी कभी मन में आता कि चलो वो मार खाएंगे हम भी 2-4 मार खा लेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि उनके मन में ये डर आता कि काम नहीं हुआ तो मार खा लेंगे, मार खाकर काम चला लेंगे और इस तरह से काम ना करना पड़े मार खाना पड़ जाए, ये कुछ आसान सा लगने लगता लेखक को। तो उस जमाने में बच्चे ऐसे भी होते थे और घर वालों को तो पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता होती नहीं थी, उन्हें तो लगता था कि कोई तहसीलदार बनेगा, कोई डिप्टी कलेक्टर बनेगा, बस जितना है उतने से काम चला लिया जाए। तो हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में से उसके जैसा कौन है। अब कुछ उनमें जो उन विद्यार्थियों में एक जो सबसे बड़ा लगता था जिसको नेता कहते थे, बच्चे उनको उसको नेता बुलाते थे क्योंकि वो थोड़ा ढीठ था तो उसको बहादुर समझते थे कि उसके लिए मास्टरों की मार और बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। ओमा नाम था उसका और बड़े सिर वाला था। तो इस तरीके से देखा जाए तो उनके मन में लगता कि चलो उसकी तरह बन के देखते हैं कि हमें कोई डर ना हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था, यानी काम करने के बजाय काम के समय में उनको विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ा बहादुर शेर की तरह लड़ने झगड़ने वाला हो वो नेता लगता था। तो उनके साथ पढ़ने वालों में वो ओमा नाम का जो व्यक्ति था वो कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ लगता था और ऐसी स्थिति में उसे लगता कि अपने आप को बचाने में ज़्यादा भलाई है। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। अब सारे सोचते कि क्या किया जाए कि उसके जैसा है, क्या उसकी तरह हिम्मत वाला हो या उसकी तरह काम करने वाला हो। तो नेता गिरित्र सब सोचने लगते कि कौन ऐसा है जो हम में से ओमा की तरह है कि ओमा की तरह ढीठ बन करके मार पिटाई करके भी वो नेतागिरी में ही खुश रहता। तो ये बहुत बड़ी चीज होती थी। तो कुल मिलाकर तो हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, उसकी गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग ही थी। हांडी जितना बड़ा सिर और ठेंगने जैसा 4 बालिश का शरीर, पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया गया। यानी ओमा का जो स्वरूप था वो भी और बच्चों की अपेक्षा
कुछ अलग तरह का था, कुछ अलग देखने में था। कद काठी छोटी, बालिश चार बालिश थी, यानी लंबाई चौड़ाई बहुत कम थी, और उसके ऊपर सिर जो था बहुत बड़ा था। हांड लगता था कि बिल्ली के सर पर कोई हांडी रख दी गई हो, और वो अपना सारा प्रहार, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, जो चीज़ें भी करता तो वो सोचता था कि वो सिर के बल पर करके जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति आती थी कि वो इस चीज़ को समझा सके। तो अब ओमा का जो कदकाठी था वो देखने में ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के सिर पर हांडी रखी हो। बच्चे उससे डरते थे, उसके बड़े सिर में नारियल की सी बड़े बड़ी बड़ी आंखें, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, और अजीब सा देखने में डरावना सा स्वरूप था। अब सारे बच्चे उससे डरते थे, और हाथ पांव चलाने की जगह लड़ाई के समय वो सिर चलाता था और सब उससे कांपते थे। जब वो सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट पर या छाती पर मार देता, तो उससे दुगने दुगने शरीर वाले लड़के भी उसकी पीड़ा से लगे चोट से चिल्लाने लगते, हाय तौबा मचाने लगते। तो सब लोग उससे डरते। कभी कभी वो छाती की पसली को सिर के धक्के से तोड़ देता था, तो उसके सिर की टक्कर के नाम से सारे उसे रेल बम्बा कह के चिढ़ाते थे। अब रेल कोयले से चलने वाली जो ट्रेन होती है रेल, उस जमाने में इंजन के भांति बड़ा भयंकर ही होता, उसी तरह से वो ओमा भी देखने में कदकाठी में हर तरह से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता। और अलग दिखाई पड़ने के कारण वो ऐसा लगता कि जैसे सबसे अधिक लड़ाकू प्रवृत्ति का, झगड़ालू प्रवृत्ति का, गाली गलौज करने वाला। तो बच्चे उसकी डील डॉल और पर्सनालिटी और उसका व्यक्तित्व, उसका कदकाठी, उसका स्वरूप, उसकी आंखें, उसका सिर देखकर बिल्कुल घबरा जाते थे। उन्हें लगता था कि उनसे ओमा से सामना ना हो, और वो अपना सारा प्रहार सिर के बल से करता था। तो ये भी बहुत बड़ी चीज थी, तो सब उससे डरते थे। अब परंतु ओमा जितनी हिम्मत तो किसी में थी नहीं, देखकर गिर पड़ जाते, उसकी छुट्टियों का काम पूरा कर दिया करते, और डर के मारे सब क्या करते कि उसकी छुट्टियों का काम जल्दी जल्दी सब पूरा कर देते। ओमा ठीकने कद का मोटे सिर वाला लड़का था, लड़ते वक्त सिर का प्रयोग करता, हथियार की तरह उसका प्रयोग करता, शक्ल उसकी एकदम बंदरिया के बच्चे की तरह। बच्चों ने उसके सिर का नाम रेल बम्बा तो रखा ही था। हम अब लेखक कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच इस आकार में स्कूल बना था। अब वो बताना चाह रहे हैं कि उस समय के समय के हिसाब से जो स्कूल था उनका बहुत छोटा था, 9 कमरे थे स्कूल के अंदर, और जो एच का आकार होता है उस आकार के कमरे थे। दाई ओर पहला कमरा हेडमास्टर साहब का था, हेडमास्टर साहब का नाम था मदन मोहन शर्मा, और जिनके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। उस जमाने में कपड़े के पर्दों का प्रचलन नहीं था। कार्यालय और ऑफिस की बात करें तो कार्यालय और ऑफिस के सामने एक बांस के तीलियों का बना हुआ पतला पतला चिक लटका रहता था, और उस चिक के माध्यम से ही पर्दे का काम होता था, ताकि वो हवा भी आए, रोशनी भी आए, और कोई भी सीधे कमरे में प्रवेश ना करे। तो हेडमास्टर साहब के कमरे में हमेशा चिक लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधे कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। जब स्कूल में प्रार्थना का समय होता तो वो कमरे के बाहर निकलते, प्रार्थना के समय आते और देखते कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं,
और बिल्कुल अपने कद के अनुसार खड़े हैं। उनकी जो कद के अनुसार खड़े होने का था कि मतलब एक क्रम में, छोटा बड़ा के क्रम में बच्चे खड़े होते, तो वो वैसे ही खड़े हैं। तो उन्हें देखकर उनका चेहरा बहुत खिल जाता, उन्हें अच्छा लगता। बच्चों के साथ कुछ घुले मिले भी थे वो। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतारबद्ध उनके ठीक पीछे खड़े होते, तो अपनी अपनी कक्षा को कतारबद्ध तरीके से खड़ा करके कक्षा अध्यापक जो रहता वो कक्षा में बिल्कुल पीछे अपने बच्चे क्लास की लाइन के पीछे खड़े रहते, जो आम तौर से होता है। सीधी कतार के साथ हमें ध्यान रहता। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े होकर देखते कि कौन सा लड़का ठीक से नहीं खड़ा है। और पीटी मास्टर का एक जो भय होता है वो अवश्य बच्चों में होता है। तो मास्टर प्रीतम चंद पीटी मास्टर थे, वो उस कतारबद्ध लाइन के पीछे, हर लाइन के पीछे खड़े होकर देखते। अगर कोई लड़का उन्हें क्रम के अनुसार, छोटे बड़े क्रम के अनुसार या लाइन के बाहर दिखता तो उसका अच्छा सा स्वागत कर देते। तो पीटी मास्टर का एक अलग सा डर उनके मन में समाया रहता और वो ठीक पीछे खड़े होकर देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। अब जैसा कि पीटी मास्टर लोग सिखाते हैं कि अपने सामने वाले बच्चे का सिर देखो, पीछे वाला अपने आप सही हो जाएगा, तो यही करते करते वो मास्टर जो होता है सिखाता था, और न होने पर वो जोर से ठुमके की तरह मार करके उस बच्चे को सीधा करते या सीधा खड़ा करते। तो इस तरह से वो बच्चों को घुड़कियां देते, डराते। और सब सीधी कतार के साथ साथ हमें ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे के लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, वन हैंड डिस्टेंस। अब जैसा कि आज भी पीटी में होता है कि आप एक हाथ आगे और एक हाथ साइड में, इतने अंतराल पर लाइन होनी चाहिए और एकदम सीधी, ताकि किसी भी कोने से देखा जाए तो वो लाइन बिल्कुल हमें सीधी दिखाई दे, चाहे हम इस क्रम में देखें, इस क्रम में देखें या तिरछे के क्रम में देखें, तो सब एक के साथ एक क्रम में दिखाई पड़े। तो पीटी मास्टर इस तरह से सिखाते थे। तो सीधी कतार के साथ साथ हमें देखना होता था कि हमारे बीच की दूरियां, यानी एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच की जो दूरी है वो भी बिल्कुल समान हो, कोई कम कोई ज्यादा ना हो। लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, अब पीटी मास्टर की मार से लड़के डरते थे, क्योंकि वो बच्चों को सिखाते समय पैरों पर डंडे से पिटाई करते और उनके डंडे का डर जो होता था हमेशा बच्चों के मन में समाया रहता था कि पीटी मास्टर मारेंगे। तो ये डर जो था उनके अंदर रहता, जितना सख्त अध्यापक कभी नहीं, कभी किसी ने न देखा होगा। उन्होंने कहा कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद की तरह कठोर अध्यापक उस उम्र में बच्चों ने देखा नहीं था। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि जो पीटी का अध्यापक होता है वो बहुत अधिक अनुशासन का कार्य उसे मिलता है कि विद्यालय में अनुशासन, कक्षा से बाहर बच्चे न घूमें, कोई बिना मतलब के इधर उधर भीड़ न लगाएं, तो उनका जो ये काम होता है ये कुछ अलग होता है। तो अगर बच्चे इस तरह मिलते हैं तो वो उनकी जम के पिटाई करते हैं। तो पीटी अध्यापक हमेशा जो होता था वो सख्त होता है, ये मन में था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता तो पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वो उसके ऊपर बाघ की तरह झपट जाते और खाल खींचने का मुहावरा प्रयोग करते, कहते कि मैं अभी तुम्हारी खाल खींच लूंगा। कहने का मतलब कि पिटाई का जो एक अजीब डर होता कि खाल खींच लूंगा कहके डराना, मारने के लिए धमकाना, तो पीटी मास्टर का जो डर था वो तो अत्यधिक था ही बच्चों में। अब जब भी देखो तो प्रीतम चंद लाइन को जरा भी टेढ़ा ना होने देते, जरा सा भी टेढ़ा होने पर बिल्कुल धुनाई शुरू कर देते।
अनुशासन जरा भी कम नहीं होना चाहिए। तो एक अजीब सा भय पीटी मास्टर के प्रति बच्चों के मन में छा गया था, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। हेडमास्टर बहुत नरम दिल के थे, बहुत ही नरम दिल के थे और बहुत अलग तरह का व्यवहार करते थे। वह पांचवीं और आठवीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे, हेडमास्टर थे, लेकिन फिर भी वो पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते थे। तो पांचवी श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। अब मार पीट करके हेडमास्टर साहब कभी भी पढ़ना नहीं सिखाते थे। उन्हें लगता था पढ़ना सिखाने के लिए मारना पीटना आवश्यक नहीं है। तो मार पीट के बल पर उन्होंने, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था कि हेडमास्टर साहब कभी बच्चों को मार पीट या डर डालकर या चमड़ी उधेड़कर या धुनाई करके पिटाई करके पढ़ाएं। तो बच्चों के मन में हेडमास्टर के प्रति एक अलग सा प्रेम और अलग सी श्रद्धा थी। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो, यानी कि चमड़ी उधेड़ना, अधिकतर मार के सहारे काम करना, जो सरकारी मिडिल स्कूल होते हैं जहां मास्टर हर बात पे डंडे मारता है, पैर के पैरों पेड़ की नरम डालों के डंडे लेकर के छड़ी से हर बात पर छड़ी को पीट कर पैरों पर लगा कर चीज़ों को पढ़ाना लिखाना रटाना। आज तो वो जमाना ही नहीं है, तो इस चीज़ को सोचना ही बिल्कुल अलग है कि आज उस जमाने की चीज़ को हम सोचें। आज पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया है, कुछ नियम कानून भी बन गए हैं, परंतु धीरे धीरे हेडमास्टर साहब के पढ़ाने का जो तरीका था वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगली से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा करके हंस देते थे। अब उनका क्या स्वभाव था कि वो बच्चों को जब बहुत गुस्से में आते तो कभी कभी उल्टे हाथ से करके वो धीरे से एक चपत मुंह पर लगा देते ताकि जो बच्चा है वो डर जाए। लेकिन उनके एक हेडमास्टर साहब का जो स्वभाव था उस स्वभाव में डर नहीं था, एक उनका प्रेम भी था। अगर वो डांटते भी थे, अगर वो मारते भी थे, तो उसमें भी उनका प्रेम जो था वो झलकता था। तो ये बच्चों ने अनुभव किया था तो झट से थोड़ा सा हंस देते थे, उनकी डांट उनकी मार भी उन्हें अच्छी लगती थी। वह चपत जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती। उनका कि उनका प्रेम, उनका जो रूप था वो हर हालत में बहुत अच्छा लगता था और उनकी वो चपत भी प्यारी लगती थी, उनकी डांट भी अच्छी लगती थी। तो उन्हें लगता था कि वो जैसे चाट पापड़ी की तरह स्वादिष्ट लगती हो। तो बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेम के भूखे होते हैं, जो जिन्हें लगता है कि अगर मास्टर ने सच में डांटा मारा है लेकिन उसमें भी उनका प्रेम झलक रहा है तो वो उस डांट मार को भी बुरा नहीं मानते। क्योंकि पीटी मास्टर बेमुरव्वत से चमड़ी उधेड़ते थे, जूते की बूटों से के नोकों से, कभी ठुड्डों से, मुक्के की ठुड्डों से मारते, तो इस तरीके से बच्चों के साथ करते। यद्यपि बच्चे उनसे डरते थे, अनुशासन को मानते थे, परंतु कुल मिलाकर कहा जाए तो ये डर एक भय था और हेडमास्टर साहब का जो डर था उसमें एक प्रेम झलकता था। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। अब उन्होंने कहा
कि उस जमाने में हमें स्कूल कभी अच्छा नहीं लगा। लेखक कहते हैं कि स्कूल जाना हमेशा भार ही प्रतीत होता था। कभी हमें ये नहीं लगता था कि हम बड़े खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं, दौड़ते भागते हुए, तो लगता था कि एक ग्रह सिर पर से उतारनी है, तो उस ग्रह के नाते भी वो स्कूल तो जाते थे मगर कभी खुशी खुशी स्कूल जाते उन्होंने अनुभव नहीं किया कि कोई भी बच्चा उस समय स्कूल जाने में बड़ा खुश अपने आप को महसूस करता हो। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। उन्होंने कहा कि जो आजकल नर्सरी केजी ये सब था उसे कहते थे पहले पुराने जमाने में पहली कच्ची श्रेणी, LKG तो कच्ची श्रेणी कहलाता था। तो छोटे कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक में 2-4 बच्चे ऐसे होते थे जो हंसते खेलते स्कूल चले जाते थे, अन्यथा अधिकतर बच्चे रोते चिल्लाते मार खा के या डांट खा के पैर पटकते किसी तरह स्कूल जाते थे और समय व्यतीत करते थे। तो सब रोते चिल्लाते ही स्कूल जाते थे, स्कूल जैसे उनके लिए एक बहुत बड़ी सजा का घर हो। अब प्रधान अध्यापक की उदारता, उनका प्रेम, स्कूल के प्रति एक खिंचाव जरूर था लेकिन पीटी मास्टर का डर वो कभी दिल से नहीं निकाल पाए। कुछ ही बच्चे ऐसे थे जिनकी रुचि विद्या और पढ़ाई की ओर थी, बाकी सब ग्रह उतारने परेशानी समझ करके ही स्कूल जाते, तो उन्हें बहुत कष्ट होता था कि वो स्कूल न जाएं। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियां के रहते भी स्कूल अच्छे लगने लगता। अब बच्चों को पीटी मास्टर का डर चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी डर हो, लेकिन वास्तव में पीटी मास्टर के द्वारा कराई जाने वाली पीटी खेल और स्काउट गाइड, रंग बिरंगी झंडियाँ, गले में बंधे रंगीन रुमाल बच्चों के आकर्षण का केंद्र होते थे। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती थी, तो कभी कभी उन्हें लगता था स्कूल जाने से एक फ़ायदा है कि उन्हें अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म, जो वर्दी मिलती थी रंगीन रुमाल स्काउट गाइड की और झंडियाँ लगाकर, जब वो स्काउट गाइड के अध्यापक कहते 1-2-3 लेफ्ट राइट तो बड़ा मज़ा बच्चों को आता था। जब एक पैर से पैर मिला करके वो कदम ताल करते हुए चलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। तो परंतु कभी कभी सभी स्थितियों में रहते हुए भी स्कूल उन्हें अच्छा लगने लगता। जब स्काउट का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1-2-3 कहते, झंडियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियाँ, हमारी खाकी वर्दियों और गले में बंधे हुए दोरंगे रुमाल में जब हम अभ्यास करते तो हम सभी को वो अभ्यास बहुत रुचिकर लगता। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आँखों से झपकाते हुए जब हमें शाबाश कहते तो हमें लगता कि हमें सब कुछ उपहार में मिल गया है। वेल बिगिन अगेन 1-2-3, 3-2-1 वेल बिगिन अगेन कहकर जब 1-2-3, 3-2-1 वो करते तो उनकी शाबाशी भी उन्हें जो थी वो बहुत अच्छी लगती और ऐसा लगता कि जैसे उनकी गुड जो है पढ़ाने वाले मास्टरों के हजारों गुड से ज़्यादा बेहतर है। तो लेखक ने लिखा है कि कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर में लिखी गुड के रूप में, उन्होंने कहा तमाम गुड्डों से भी हमें ज़्यादा अच्छी लगती। उनका गुड्डों कहने का मतलब था कि जितनी सारी कॉपियों में गुड मिलता था वो गुड से कहीं ज़्यादा पीटी मास्टर का एक बार गुड कह देना उनके लिए बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे वो बिल्कुल लुभावना हो गया हो, मन चाहा हो गया हो, मन खुश कर देने वाला हो। तो तमाम गुड्डों से ज़्यादा उन्हें
वो गुण प्रभावित करता। तो ये चीज उन्होंने कही है और अधिक मूल्यवान भी लगती उन्हें। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत की से प्राप्त करके पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत अच्छी लगती उनको, कि लगता कि पढ़ाई से ज़्यादा तारीफ मिल गई अगर पीटी मास्टर ने हमें गुड कह दिया। एहसास होता जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते, सतगुरु के भय से ही प्रेम होता है। तो उन्होंने कहा भय बिन होए न प्रीति। तो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि भय से ही प्रेम आता है। तो मास्टर साहब का भय से उत्पन्न जो प्रेम था वो वास्तव में पीटी साहब के प्रति उनके प्रेम की भावना को बिल्कुल जगा देता था। रोज फटकारने वाला यदि साल भर में एक बार भी शाबाश कह दे तो लगता था जैसे कोई नया चमत्कार हो गया हो, कोई जादू की छड़ी घूम गई हो और सभी बच्चों के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान जो थी वो आ जाती थी, एक सुंदर मुस्कान देखने को मिलती थी। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब चूंकि कहानी बड़ी है तो अभी एक आध वीडियो में और जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कहानी आप दोहरा लीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।